Dino Power! Triassic Power Engage! एक और दुनिया है जिसे तुमने छुआ तक नहीं है, ट्रायसिक पावर और सुपर डायनामोड से दूर, पर तुम्हें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। मुझे शक्ति दो, बैटलाइजर, एनर्जाइज, फायर किक, सुपर फायर पावर। इतना काफी है? मैं जानता हूं मैंने गलती की, पर इंसान बदलता है अगर मौका दिया जाए। क्या तुम ये करना चाहोगे? एक नई शुरुआत। चलो मानता हूं तुम ठीक कहते हो, पर तुम अपनी बात करो दोस्त, तुम पहले जैसे मिस्टर साइबर गीक नहीं रहे। एक प्रोग्राम लाया हूं, इसमें एक कोड बनाऊंगा ताकि ये फवारे हर रोज दिन के अलग अलग वक्त पर चलने लगे। जानते हो आज से 10 साल बाद जब तुम्हारे बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे और तुम खेल नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा क्लब में खेलने का सपना टूट चुका होगा, तब मेरा अपना सॉफ्टवेयर का बिजनेस होगा। ये हाँ तो ये रहा सौदा, मैं तुमसे लड़ सकता हूँ पर उससे क्या होगा, मुझे लगता है मैं तुम्हारा खेल सुधार सकता हूँ, और अगर कर दूँ तो तुम मुझे और मेरे दोस्तों को परेशान नहीं करोगे। ये कंप्यूटर इमेज है तुम्हारे किक करने का, मैंने इस पर एक मशहूर खिलाड़ी के इमेज को लगा दिया है। तुमने किया कैसे? मैं कंप्यूटर जीनियस हूँ याद है। वाह ये मेरे लिए है? हाँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आज तक जो भी बनाई सबसे तेज। बचाने आ गया है होवरक्राफ्ट बाइक। हाँ, मेरी अपनी पहचान है। क्यों इतना इतराओ मत दोस्त, पर आजकल तुम्हारे साथ घूमने में शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। ओके, अब तुम बताओ तारीफ कैसे की जाती है? कोई बात नहीं, मैं इसे जानता हूँ, पर जानते हो कौन सी बात मुझे सबसे हैरान करती है? हमारे टीचर एक महान पावर रेंजर है। देखो कौन आया है। हमारे टीचर सबसे पुराने जीवित पावर रेंजर है। पुराने ही नहीं, सबसे अच्छी। मैं जानता हूं किस पत्थर में शक्ति का वो भंडार है जो मेरे बहुत काम का होगा, यही तुम्हारी जरूरत है। सॉरी, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ एक साइंस टीचर हूँ। तुम लोगों को डायनो जेम्स के बारे में दो बातें जान लेनी चाहिए, एक तुम उन्हें नहीं चुनते, वो तुम्हें चुनते हैं, और दूसरी वो सिर्फ डायनो मॉर्फर्स के साथ ही काम करते हैं। डायनो थंडर पावर अप, डायनो थंडर ब्लैक रेंजर। हम उनके एहसान मंद रहेंगे। हाँ ठीक कहती हो। और याद है ये सब किसकी वजह से खत्म होने वाला था? ट्रेंच, तुम ठीक हो? ये सब क्या हो रहा है? चलो तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना होगा। क्या हुआ? नहीं, ये नहीं हो सकता। उसे जेम ने काबू कर रखा था, अब वो बात नहीं है। हाँ, अब वो हमसे कहना भूल जाता है कि उसके डैड मेसागोग हैं। वो क्या बदलेगा? मैंने एक प्रॉमिस किया है। और तुमने हमसे भी एक प्रॉमिस किया था। मैं अपने रेंजर ड्यूटीज के बीच में एहसास को नहीं लाता। ये बात सच हो सकती है ट्रेंट, पर तुमने हमें मुश्किल में डाल दिया था। कौन ठीक कहता है, हम तुम पर फिर से कैसे भरोसा करें? बताइए साबित करने के लिए मैं क्या करूं? जो नुकसान मुझसे हुआ है मैं कबूल करता हूं, पर मेरे लिए भी ये आसान नहीं था। हाय, मैं हेली को ढूंढ रहा हूं, आज से यहां काम शुरू करने वाला हूं। वो यही कही होगी, मैंने तुम्हें रिसॉर्ट में पहले नहीं देखा। हाँ, मैं यहां पिछले हफ्ते ही आया था। मेरा नाम ट्रेंट। एंटोन मर्सर। डैड को जानते हो? तुम्हारे डैड? तुमने कभी बताया नहीं। आजकल आप दोनों नहीं मिलते।
मेरा मतलब है आप अच्छे दोस्त थे ना ट्रेंट, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत से लोग आएंगे जाएंगे। डॉक्टर ओ और मैं अच्छे दोस्त थे, पर अब हम दोनों की जिंदगी अलग है। आप क्या करने जा रहे हो डैड? मैंने कभी व्हाइट डेनोजेम को ढूंढना नहीं चाहा, उसने मुझे ढूंढा। मैंने उसे लड़ने की कोशिश की पर उसमें बहुत शक्ति थी। एक अजीब बात हो गई है कीरा, अगर मैंने किसी को नहीं बताया तो बहुत बुरा होगा। क्या बात है, मुझसे कह सकते हो? ये देखो, एंटोन मर्सर का बेटा ट्रेंट, कितनी अच्छी बात है ना? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कंट्रोल करो। इससे पहले कि वो मुझे कंट्रोल करे, उसने बहुत बुरा किया। पर आप ही तो हैं मैसगो। अपनी मर्जी से नहीं, डैड क्या हुआ आपको? तुम यहां से चले जाओ, मैं आपकी मदद करूंगा। नहीं, मैं इसे किसी तरह रोक लूंगा, पर होने तक अपने पावर्स किसी अच्छे काम में लगाओ। आपका सीक्रेट नहीं बताऊंगा, मेरा वादा है। एंटोन मर्सन ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, उनको दिया वादा मैं कैसे तोड़ सकता था? जब तक वो म्यूटेंट से आजाद नहीं हो जाते, मुझे तुमसे